मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं ही पूर्वा हूँ। क्या आप सब लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है? अगर तेरी माँ भी आकर मुझसे ये कहेंगी ना कि आप मेरी पूर्वा दी है, तो भी हम में से कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। मैं मानती हूँ। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास कर रही हैं? ऐसा होता है कभी क्या? अगर मैं ये मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और हनुमान जी ने कूद कर महासागर पार कर लिया था और सावित्री जो यमराज से अपने पति को वापस लेकर आई थी, उसी तरह भगवान जी ने वेदांत की पूर्वा को उसके पास वापस भेज दिया है, इस बात को मैं मानती हूँ। जो बात अभी एक ने मानी है, धीरे धीरे सब मानेंगे। पर ये निर्णय उनका नहीं, उनके पोते वेदांत का होगा, जिसको हमारे पांचों दिल की नहीं दिमाग की सुनने पर विवश कर देंगे। डॉक्टर वेदांत, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। मैं मानती हूँ कि इन्होंने हमारी मदद की है, पर इसके बदले आप इन्हें पूर्वादी की जगह तो नहीं दे सकते ना? संदेह मन में अपनी जगह बना रहे देवी। पर मुख पर सरस्वती का वास है अलक्ष्मी। हमारा भक्त ना तो गलत बोलेगा और ना ही गलत करेगा। देखिए, आप सब लोग मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है, इसने सिर्फ मेरी मदद की है और पूरे घर वालों की सिर्फ भलाई के बारे में सोचा है। तो क्या इस वजह से आप इन्हें पूर्वादी मान लेंगे? दिल तो यही चाहता है पंखुड़ी कि मान लूं कि मेरी पूर्वा मुझे छोड़ के नहीं गई। क्योंकि इस लड़की की हर बात, हर आदत मुझे मेरी पूर्वा की याद दिलाती। वेदांत, बेटा, फिर ये चीज़ किस बात की? दादी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हर इंसान के चले जाने के बाद ना सिर्फ उसका डेथ सर्टिफिकेट बचता है। देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया हो ना, तो मुझे माफ कर देना। तुम खुद बताओ, किसी इंसान के चले जाने के बाद, मेरी पूर्वा के चले जाने के बाद, क्या ये मुमकिन है कि पूर्वा मेरे पास वापस आ जाए? मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। पर मैं ये सोचकर खुश हूं कि आपने मुझे फ्रॉड, धोखेबाज या पूर्वा की डायरी पढ़कर आई है जो हमारा फायदा उठाना चाहती है, ये नहीं कहा। मैं इसी में ही खुश हूं। इतना ही काफी है इसके लिए देवी, तब भी आप इन्हें मिलकाने में क्यों तुली हुई हैं? ये कलयुग है, चमत्कार जैसी बातें सिर्फ मजाक में की जाती है, मानी नहीं जाती। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये चेहरा, ये आवाज, ये पूर्वा जैसी नहीं है, पर मैं हार नहीं मान सकती। मैं जिंदा होते हुए वेदांत को अपने मौत के दुख में जीता हुआ नहीं देख सकती। तो क्या करेगी? जबरदस्ती करेगी? जबरदस्ती? रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
आपको जो टेस्ट लेना है आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, पर यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है। प्लीज प्लीज मुझे इसे छोड़कर जाने के लिए मत कहिए। जानती हूं मैं कि तुम लोगों के लिए ये लड़की फ्रॉड है, झूठी है, लेकिन मेरे लिए ये वो है जिसने वेदांत की जान बचाई और उस फ्रॉड लड़के को जेल भिजवाया। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि ये इसी घर में रहे। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप, इस लड़की को यहाँ से जाना होगा, ये इस संजीवनी सत्र में नहीं रह सकती। अरे झूठी है, मक्कार है ये। अपनी सच्चाई का इम्तिहान कैसे दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं कि कहां जाऊंगी? अब मैंने ये सब कुछ आप पर छोड़ दिया है देवी मां। तकलीफ के साथ साथ मुझे भी तकलीफ होती है और पूर्वा की तकलीफ आपको महसूस होती है। अगर मेरी हाथों की जलन आपको महसूस हो रही है तो कुछ कहिए। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि तुम कौन हो, तुम इस घर में रुक सकती हो। इसकी मदद के बदले इसे घर में मेहमान बनाकर मेहमान नवाजी तो कर सकते हैं। क्यों रमेश?
बेटा तू यहाँ रुक सकती है, हम सभी का यही फैसला है। निर्णय कभी भी अधर्म के हक में नहीं होते। प्रभु ने सही कहा था, धर्म की परीक्षा हो सकती है परंतु हार नहीं। तो समझ लीजिए अब परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। इतनी परीक्षा होगी कि ये खुद घर छोड़ के चली जाएगी। यानी आप एक बहन को अपनी बहन के खिलाफ? तो हैरान क्यों हो रही है देवी, ऐसा तो कई बार हो चुका है। सदियों से मैं अपनी बहन लक्ष्मी से लड़ रही हूँ। सूर्य देव को लेकर छाया संध्या के खिलाफ हूँ और अब पंखड़ी की बारी है। छानबीन तो काफी पक्की है आपकी इस घर के लिए, तो आपको ये भी पता होगा ना कि गेस्ट रूम कहाँ पर है। बट एनीवे मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, चलिए। घर से ना सही, कमरे से तो निकलवा ही दिया है, अब इसके बाद सीधा वेदांत की लाइफ से भी आउट। पूर्वा दी चली गई, अब वेदांत पे हक सिर्फ मेरा है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ये घर, ये होम इज फ्रॉड। अभी नाटक बंद है, कोई और सुन नहीं रहा है यहाँ पे। पंकु तू मुझसे कैसे बात कर रही है? मैंने कहा ना कि मैंने सब सुना, जो आपने कहा वो भी और जो नहीं कहा वो भी। मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि तुम पूर्वादी बनकर इसलिए आई हो ताकि सबका पत्ता कट हो जाए और वेतन भी तुम्हारा हो जाए, साथ साथ ये घर भी और पैसा भी। बस बस करो ये बकवास, मुझे इनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ वेदांत से प्यार करती हूँ। तुम नहीं, वेदांत से प्यार मैं करती हूँ। क्या अब भी? हाँ, मैं आज भी वेदांत से प्यार करती हूँ। पहले हालात कुछ और थे और मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मेरे वेदांत की शादी हो गई मेरी दी से, पर अब कोई भी ऐरा गैरा आकर इस तरह से मेरे वेदांत को मुझसे छीन नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप यहां से चली जाओ। इससे पहले तूने बहुत सारी गलतियां की है पंखू, बहुत बार हमें अलग करने की कोशिश की है, पर अगर इस बार तूने मुझे मेरे पति से अलग करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तो तुम नहीं मानोगी। ठीक है, देखती जाओ कैसे मेरे वेदांत तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकालते हैं। इस जन्म में तो नहीं होगा। जन्म तो बहुत दूर की बात है, मेरी फ्रॉड दी आज से 3 हफ्ते बाद दिवाली का अगला दिन जो बहुत शुभ है, ठीक इसी दिन होगी मेरी और वेदांत की शादी। और उसके बाद वेदांत हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है।
क्या करूं? हार गए महादेव। नारद मुनि हम दोनों को ये खेल सिखा गए, पर पैतरा सिर्फ हमें बता गए। क्या? यही कि पति की भलाई पत्नी से हारने में है। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी। सदा सौभाग्यवती रहो। चौसर का खेल? हमारे साथ चौसर खेलेंगे देवी? और वैसे भी महादेव ने हमें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, यकीनन विजय तो हमारी ही होगी। जिस खेल में महादेव हमें नहीं हरा पाते, आप क्या हराएंगी? खेल का निर्णय बातों से नहीं, खेल से होता है देवी। खेल छोड़िए पार्वती, अब हमारे भ्रमण का समय हो गया है, आइए चलिए। क्षमा कीजिए महादेव, परंतु आज हमें पहले इन्हें पराजित करना है। जैसी आपकी इच्छा पार्वती। खेल शुरू करने से पहले देवी, ये तो बताइए आप कि दांव पर क्या लगेगा? यदि हम जीते तो आप वेदांत के परिवार से अपना साया हमेशा के लिए हटा देंगी। स्वीकार है हमें। और यदि हम जीते तो हम जो मांगेंगे वो दे दीजिएगा देवी। मुझे वेदांत से पंखुरी के बारे में बात करनी होगी। नहीं नहीं, अभी नहीं कर सकती। जब वेदांत अकेले होंगे तब। ये तुम्हारे मायके से कुकर आया होता ना, तो इसकी सीटी में फुसकी आवाज ना आती। इसकी ललकार देखिए, इसका मतलब ये हमारा कुकर है। अच्छा, तभी इसके नीचे आपकी अम्मा ने हमारा नाम लिखवाया है। चोर ने नाम भी लिखवाया, अम्मा देखो। अरे चुप करो गोमती, तुम जो कुकर लाई थी वो नीचे से काला पड़ गया था, और सुमति तुम्हारे कुकर का ढक्कन टूट गया था। मैंने दोनों को एक कर दिया, इतनी सी बात पर लड़ाई। अब ये सारा कसूर वेदांत का है। मैं किस लिए? अजी हाँ, बात पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन शाम की चाट और बंटवारे की बात हम ना भूलते। ये बता कब करवा रहा है बंटवारा? बात ऐसी है कि दादाजी की विल में लिखा है कि संजीवनी सदन और जीवन रेखा बेचा नहीं जा सकता, और वही जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक काम हो सकता है, एक एफडी है वो तुड़वा के मैं आप दोनों को 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। चलेगा? तेरे बाप के पैसे जो ऐसे बांट रहा है, अरे मेरे बाप के पैसे हैं गंगा तट पानी के। वेदांत बेटा तू ऐसे? दादी वेदांत है ना? सुमति ढक्कन वाला कुकर मैं क्या करूंगी, गिफ्ट किया तू ही रख ले। अरे नहीं जीजी, बिना सीटी के तो आपका ये कुकर पतीला लगेगा, ये आप रख लो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मा ने दहेज में दिया था, तुम रख लो। मंजिला मेरा सर बहुत दुख रहा है, बाम लगा दे। जी अम्मा।
ये सही मौका है। वेदांत को पंखुड़ी का सच बता देती हूँ।